नमस्कार, मैं हूँ सुनीता मनोचार। सुनीता कुकिंग बेकिंग क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी। नाम कैसा लग रहा है भिंडी सुनने में, लेकिन बच्चे इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं इसको। तो भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले इसकी वॉशिंग चाहिए होती है। रनिंग जैसे वाटर है उसमें ऐसे मलमल के हर एक भिंडी धोनी है और उसके बाद उसको सूखे कपड़े से पोंछना है। अगर आपको लग रहा है किसी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, कपड़ा सारा भिगो लो, निचोड़ लो, फिर उससे पोंछो, ठीक है। भिंडी की सब्जी बच्चों बहुत जल्दी बन के तैयार होती है। अब जैसे मैंने इसको धोना पोंछना मैंने आपको बता दिया, अब काटने की बारी है। दो तरीके से काट के दो तरीके से बनाए होंगे। सबसे पहले इसका हेड काट दिया, फिर इसका टेल काट दिया। देखो अगर आपकी भिंडी मुलायम है तो काटते वक्त बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा कि क्या हो गया, और तोड़ते वक्त भी बिल्कुल आराम से टूटेगी। तो ये भिंडी आप आराम से बनाओ खाओ। अगर ये लग रहा है टाइट है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ऐसे करके हो रही है, तो ऐसे वाली तो ठीक है। अगर लगे कि बीच में जाली है, यहाँ पर जाली वाली कोई आगे तो मैं आपको बताती हूँ, तो उसको आप रोक देना, उसको बनाना नहीं है। हेड काटा, टेल काटा, और उसके बाद उसकी कटिंग। अगर आप बड़े पीस पसंद करते हो बड़े, छोटे करते हो छोटे। गलने का टाइम आपका बस बदल जाएगा, बाकी तो भिंडी भिंडी ही रहेगी ना। ये इसमें से आवाज आई इसकी, देखो इसका रेशा और इसका रेशा चेक करो, क्या फर्क महसूस दे रहा है। ये आपको लग रहा है सॉफ्ट है, ये थोड़ी ड्राई हो चुकी है ना, तो बहुत ड्राई होगी तो फेंकनी पड़ेगी, उसको बनाना नहीं है। तो भिंडी तो कट चुकी, आधा पौना इंच के टुकड़े जैसे ही काट लिए, इसका काम हो गया। दूसरी वाला जो मैंने 250 ग्राम लिया है, इसको मैं लंबा काट के बता रही हूँ। हेड टेल तो काटना ही है, कॉमन है वो चीज़ तो। और उसके बाद आपने जैसे इसके टुकड़े करें छोटे छोटे, इसके करने हैं आपने लंबे ऐसे पूरी, ठीक है। तो बस इसको भी काट लेते हैं, फिर दो जगह चढ़ा देते हैं। तो 250-250 ग्राम एक एक बार दो तरफ भिंडी कट गई है। दो पैन रख दिया मैंने, ऑयल डाल दिया। जैसे तेल तेज गर्म होगा तब डालना है। भिंडी में एक्चुअली एक लिसलिसाहट सी होती है ना, वो हमें अच्छी नहीं लगती है। हम चाहते हैं कि हमारी चिप्पी चिप्पी सी ना बने, तो तेल तेज होना चाहिए गर्म, फिर आपका ये भी चिप्पी चिप्पी नहीं बनेगी। और एक चीज़ और हम करेंगे बाद में, उससे भी आपको पता लगेगा चिप्पी चिप्पी नहीं बनती फिर। तो लंबी कटी मैंने इधर गर्म तेल में डाल दी और गोल कटी मैंने इधर डाल दी। गरम तेल, गैस तेज, तेज कर लो गैस, और ऐसे करके चला लो। हर तरफ गरम तेल की कोटिंग कर लो। हाफ टी स्पून, देखो पहले इसकी लुक दिखाऊं तुम्हें, मैं चेक करो, ये देखो हर तरफ ऑयल की कोटिंग भी हो गई, भुन के थोड़ी सी श्रिंकेज भी हो गई, नज़र आ रही है। इसमें भी दिखा देती हूँ ऐसे ही, ये देखो हर तरफ कोटिंग होके श्रिंकेज हो गई ना। बस अब सूखे मसाले मिलाते हैं इसमें। आधा चम्मच लाल मिर्च इधर जा रही है और आधा चम्मच इधर जा रही है, ऐसे ही आधा चम्मच हल्दी इधर, आधा चम्मच हल्दी उधर, ज्यादा जाएगा। 1 टीस्पून भर के इधर, 1 टीस्पून भर के इधर। ये धनिया ना पूरी सब्जी को कोट करेगा, बहुत अच्छी लगेगी सब्जी, ठीक है। इन सबको पहले आप चला लो। सूखे मसाले आपने लपेट लिए भिंडी में। अब आई बारी नमक की। हाफ टी स्पून थोड़ा फुलसा करके नमक इधर, हाफ टी स्पून फुलसा करके थोड़ा नमक इधर। ड्राई मसालों की कोटिंग के बाद अगर आपको लग रहा है प्याज खाना है तो थोड़ा सा प्याज डाल दो, अगर लग रहा है नहीं खाना तो छोड़ दो। तो मैं एक में तो डाल ही देती हूँ, एक में छोड़ देती हूँ, ये इसमें डाल दिया। एक नॉर्मल सी कटी प्याज है ये, बारीक नहीं काटा है इसको। बहुत बारीक काटोगे तो वो चिपट के फिर से आपकी गीली गीला कर देगी भिंडी को, ठीक है। तो नॉर्मल सी कटिंग अगर करनी है तो, अदरवाइज इट्स रेडी। और मैं आपको बता रही थी ना हमारी भिंडी खिली खिली ही बनेगी, चिप्पू नहीं बनेगी। तो उसका सीक्रेट रहता है लेमन जूस। लेमन जूस अपने आप में एस्ट्रिंजेंट वर्क करता है ना, बस वो आपकी किसी भी भिंडी को चिप्पू होने से बचाएगा। इसको मैं शिफ्ट करती हूँ, ये मैंने उधर कर दिया, ये मैंने इधर करके दिखा रही हूँ। देखो खिली खिली बनी है, बिल्कुल चिप्पू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इसको ओपन बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको 1% भी कभी डाउट आ जाए तो आधा नींबू निचोड़ लेना। नींबू निचोड़ लोगे तो गैस एकदम बंद कर देना, ये नींबू को कुक नहीं करना पड़ता, नींबू अपने आप में।
बस नींबू थोड़ा सा मैंने निचोड़ लिया, इसको चला लिया और ये हो गई तैयार खाने के लिए बिल्कुल। करें सर, तो हो गई सर हमारी भिंडी, बनाने में आसान, खाने में स्वाद, हेल्दी हेल्दी। तो दोनों तरह की भिंडी सर्व हो गई, दोनों बनानी आसान है, मगर जब भी बना लोगे ऐसा लगेगा कि चेंज हो गया, बोरियत नहीं आ रही है ना। तो बनाइएगा जरूर, बताइएगा जरूर मुझे कैसी बन रही है आपकी भिंडी। कुछ नया कर रहे हो, नई चीजें कर रहे हो, बच्चे स्टूडेंट्स तो बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ना, जो जो चीज उनके पास होती है, तो आप मुझे बताइएगा जरूर ताकि मैं भी आपको एंजॉय कर सकूं क्या कर रहे हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।